दोस्तों आप लोग रिन्यूड मिनी पीसी के वीडियो के नीचे बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं काफी दिनों से कि न्यू मिनी पीसी हमें चाहिए, न्यू मिनी पीसी पर वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो बिल्कुल न्यू मिनी पीसी पर होने वाली है। इसके अंदर मैं बिल्कुल सेलेक्टेड मॉडल लेकर के आया हूं जो बजट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। समझने के लिए वीडियो अंत तक बने रहे, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें ताकि सभी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इन सभी के सही प्राइसेस को जानने के लिए, क्योंकि ये जब डील्स होती हैं कई बार बहुत ही सस्ती आती हैं, इन सब के लिए हमने टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। जब भी समय समय पर अच्छी डील्स चलती हैं हम लोग वहां पे पोस्ट करते रहते हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जब भी बेहतरीन डिस्काउंट आता है हम लोग वहां पर भी शेयर करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से मॉडल्स इसके अंदर हो सकते हैं। सबसे पहला मॉडल बिलिंग का आता है, मेड इन इंडिया है, बहुत अच्छा मॉडल है, मिनी S12 मिनी कंप्यूटर है कंप्लीटली, बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, 12th जनरेशन का क्वाड कोर इसके अंदर प्रोसेसर N95 लगा हुआ है, अल्ट्रालेक का प्रोसेसर होता है जो कि मिला जुला करके लेटेस्ट प्रोसेसर में बजट के अंदर आने वाला एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है। जितने भी सारे बेसिक वर्क है, बेसिक से नॉर्मल वर्क जितने भी हैं, आप ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, लेटेस्ट कोई भी सॉफ्टवेयर पे आप सीखना चाहते हैं, वो सारे के सारे काम आप इस पर कर सकते हैं। 8GB DDR4 रैम है इसके अंदर लगी हुई, 256GB की SSD है, डुअल HDMI इसके अंदर आपको पोर्ट मिलता है, यानी कि दो डिस्प्ले आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों से ही आप 4K को सपोर्ट करा सकते हैं, 4K डिस्प्ले पे एंजॉय कर सकते हैं। कमाल का ये जो है मिनी पीसी हो सकता है। 1GB का इथरनेट है, आपको इंटरनेट की फास्ट सुविधा भी मिल रही है, डुअल वाईफाई इसके अंदर मिल जाता है, दोनों ही बैंड आपको देखने को मिलेगा और साथ में ही ब्लूटूथ 4.0 और विंडोज 11 प्रो के साथ में ये आ रहा है। मिला जुला करके जिस प्राइस में है उस प्राइस में कमाल के इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर मिनी पीसी में इंटरेस्टेड हैं आप तो इस बजट में बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि ये मात्र 17,000 रुपए में है, 12th जनरेशन के इतने सारे फीचर्स और इतने बेहतरीन फीचर के साथ में ये आपको मिल रहा है। ये स्पेसिफिकेशंस इस प्राइस में मिलना बहुत अच्छा है, आप इस बजट में मिलता है, बिल्कुल बिना सोचे समझे आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं स्कल्सन रुद्रा के बारे में, ये भी बहुत बेहतरीन प्राइस में और बहुत अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही मिनी है, बिल्कुल आपके हैंड में आ जाता है, तो बहुत ही मिनी जिनको चाहिए वो इसको बाय कर सकते हैं। बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यू इसके आपको देखने को मिल जाएंगे, मिला जुला करके बहुत ही प्यारा सा पीसी है मिनी। ये स्कल्सन का सबसे बेहतरीन बिकने वाला और सबसे बेहतरीन मॉडल दिखने वाला ये मॉडल है, और फीचर भी इसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही प्यारा है। जेन्युइन विंडोज 11 प्रो के साथ में आता है, HDMI 4K 60Hz का जो है, 60Hz पे आप एंजॉय कर सकते हैं वीडियो को, 3 स्क्रीन जो है आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, और साथ में ही डुअल इथरनेट पोर्ट, मतलब पोर्ट भर-भर करके दिया हुआ है इसके अंदर, कमाल का फीचर के साथ में आता है, 2.4 और 5GHz दोनों ही इसके अंदर जो है वाईफाई के बैंड मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 4.2 के साथ में आता है, 12th जनरेशन का N95 प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, 8GB का रैम है, DDR5 रैम है, आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला है, साथ में 256GB का M.2 SSD लगा हुआ है। जो भी ये कॉन्फ़िगरेशन, जो स्पेसिफिकेशन, जो इसका कॉम्बिनेशन है, प्रोसेसर रैम SSD ये सब मिल करके इसके परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छा इन्हेंस करने वाला है। देखने में छोटा है लेकिन इसके परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का रहने वाला है। प्राइस की बात करें तो 22,799 रुपए बहुत अच्छा प्राइस है। इसके बाद इसी का नेक्स्ट जो है उसकी अगर हम बात करें तो स्कल्सन रुद्रा का ही मिनी पीसी, इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो N100 लगा हुआ है, पिछले वाले से थोड़ा सा प्लस इसका परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। साथ में बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो बॉडी वाइज पोर्ट वाइज बिल्कुल सेम वही लगा हुआ है, वाईफाई ड्यूल बैंड है, ब्लूटूथ 4.2 है, सब कुछ वही है, इसका प्रोसेसर आपको चेंज मिलेगा N100, उससे थोड़ा सा प्लस इसका परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, और 16GB रैम DDR5 का इसके अंदर लगा हुआ है, 512GB SSD M.2 का लगा हुआ है, पिछले वाले में 8GB रैम था, इसके अंदर 16GB रैम है वो भी DDR5 का, और पिछले वाले में 256GB SSD और इसके अंदर 512GB SSD लगी हुई है, कमाल का स्पेसिफिकेशन है। प्राइस की बात करें तो बहुत ही लाजवाब है, 25,999 यानी कि 26,000 के अंदर मिल रहा है,
इस बजट के अंदर बिल्कुल उठा लेने लायक है। अगर आपको पीसी लेना है, मिनी पीसी बाय करना है, बिल्कुल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। प्राइस बहुत बेहतरीन आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो स्कलसंट का ही पैंथर, जो कि लोग बहुत ज्यादा इसको पसंद करते हैं। ये बहुत ही सक्सेस मॉडल है, लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वही N95 वाली अल्ट्रालेक का प्रोसेसर लगा हुआ है, 12th जनरेशन का, 3.4 गीगाहर्ट्ज तक पे काम करता है। 2 HDMI इसके अंदर भी आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा और 4 जो है 3.0 का USB पोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। 16 GB DDR4 का रैम है इसके अंदर, DDR4 रैम है, ध्यान रखेंगे। पिछला वाला DDR5 है जो रुद्रा के अंदर मिल रहा है, पैंथर के अंदर DDR4 है, लेकिन ये बिका बहुत ज्यादा है क्योंकि ये थोड़ा सा उससे बड़ा है और अपग्रेडेशन के चांसेस भी इसके अंदर थोड़े से ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा रैम वगैरह और भी इसको जो है अपग्रेड कर सकते हैं। 16 GB का DDR4 रैम मिल ही रहा है, साथ में 500 GB का M.2 NVMe SSD मिल रही है, इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। इसका प्राइस भी 25,999 26,000 के अंदर ही है। तो अगर ये पसंद आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। फैसिलिटीज दोनों में ही लगभग लगभग बराबर है, या फिर रुद्रा अगर आपको पसंद आ रहा है तो पिछला वाला मॉडल बाय कर लीजिए, कमाल का पीसी ये हो सकता है। उसके बाद थोड़ा सा हाई स्पेसिफिकेशंस में अगर आप जाना चाहते हैं, थोड़े से हैवी वर्क करना है, प्रीमियर प्रो वगैरह चलाना है, तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो नहीं लेकिन फिर भी पावरफुल मिनी पीसी आपको मिल सकता है। स्कलसंट का ही ड्रैगन मॉडल ये एक तरीके का गेमिंग मिनी पीसी है, चूंकि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है लेकिन फिर भी इसका प्रोसेसर बहुत पावरफुल है। राइजन 7 का 5700U प्रोसेसर लगा हुआ है, इसमें नॉर्मल सभी गेम्स जो है आप एक अच्छे लेवल से एंजॉय कर सकते हैं। 16 GB का DDR4 रैम लगा हुआ है, 500 GB का M.2 SSD लगा हुआ है, जेन्युइन विंडोज 11 प्रो के साथ में आएगा। 3 मोड इसके परफॉर्मेंस को आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको जैसा काम है उस तरीके से आप इससे काम ले सकते हैं। RGB लाइट के साथ में आता है, बहुत ही अच्छा फील दिलाने वाला है आपको। 4K HDMI सपोर्ट करने वाली है, DP पोर्ट आपको मिल रहा है, USB टाइप सी मिल रहा है, Wi-Fi 6 मिल रहा है, ब्लूटूथ 5.2 मिल रहा है, सब कुछ बिल्कुल लेटेस्ट मिल रहा है। प्राइस की बात करें तो 40,999 यानी कि 41,000 में मिल रहा है। अभी आप लोगों में से काफी लोग कहेंगे इससे बेहतर है हम पीसी बना लेंगे, तो पीसी बना लेंगे, डेस्कटॉप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेस्कटॉप को एक अलग कंसेप्ट है, ये उनको पसंद आएगा जिनको मिनी पीसी ही चाहिए, उनके लिए ये मिनी पीसी बहुत अच्छा हो सकता है। राइजन 7 5700U प्रोसेसर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत सारा रिव्यू पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, चाहे तो आप जाकर के देख सकते हैं। इसके प्राइस बहुत अच्छे हैं, इस प्राइस के अंदर ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है क्योंकि ये प्राइस इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी मिनी पीसी के अंदर बहुत अच्छा हो सकता है। खास करके RGB लुक्स, गेमिंग पूरा फील दिलाने वाला, इसका मॉडल भी बहुत प्यारा है। तो दोस्तों ये सारे थे न्यू मिनी पीसी के मॉडल्स, कैसे लगे आपको प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।